राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग दो। आलेख शेर जंगर का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो देखो मैं आ गया हूं दादाजी के साथ, लेकिन हां तुम्हें यह याद है ना कि दादाजी ने किस-किस से मिलवाया था? बिल्ली से, कुत्ते से, बकरी से और गधे से। और अब दोस्तों देखते हैं कि दादाजी आज क्या कहेंगे। आइए दादाजी बातचीत करिए। अच्छी नन्हे मुन्ने बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। आज तुम्हारे दादाजी सर्दी जुकाम की लपेट में आ गए। पूछो क्यों? क्यों? अरे भाई इसमें पूछने की क्या बात है? हुआ यूं कि आजकल बरसात का मौसम है। कल अपने गधे को ढूंढने हम निकल पड़े तो बूंदाबांदी में फंस गए। तो हो गया जुकाम। अच्छा भाई अब ये बताओ कि कल की बातें तुम्हें याद भी हैं या नहीं? हैं? क्या कहा? अरे भाई जरा ऊंचा बोलो। हैं? हां याद है ना? शाबाश। तो प्यारे बच्चों कल तुमने म्याऊं म्याऊं, भौं भौं, मैं और ढेंचू ढेंचू करने वालों से जान पहचान की थी। अब क्या तुम बता सकते हो ये कौन है? हैं? अरे भाई चुप क्यों हो? जरा ऊंचा बोलो। अरे बोलो ना कौन है ये? दादाजी कल ही तो आपने बताया था कि बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, कुत्ता बोलता है भौं भौं और और बकरी बोलती है मैं और वो। हां हां बोलो बोलो। अरे अटक क्यों गए? तो क्या तुम उस बेचारे ढेंचू ढेंचू को भूल ही गए? अरे ढेंचू ढेंचू यानी गधा। दादाजी हम भूले नहीं थे, आपने बीच में टोक दो दिया। ओए होए 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 होए। अच्छा भाई माफ करो, अब हम बीच में नहीं टोकेंगे। हां अगर तुम एकदम जवाब नहीं दोगे तो हम समझेंगे कि तुम भूल गए। क्यों ठीक है ना? हां दादाजी ठीक है। वाह 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 वाह। तो फिर इसी बात पर हो जाएं तालियां। ओए होए अरे ऐसे नहीं, जरा जोर से और तालियां बजाओ। हां शाबाश और जोर से। हां अब बनी ना बात, तालियां बांध। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ये म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है। क्यों ठीक है ना? अरे वाह। और ये भौं भौं कौन बोलता है? हैं? हां कुत्ता ठीक। और बच्चों बकरी बोलती है मैं। क्यों ठीक है ना? अरे वाह सारे एक साथ बोल उठे। वाह 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 वाह। और गधा बोलता है ढेंचू ढेंचू। क्यों ठीक है ना? शाबाश। तो नन्हे मुन्ने बच्चों
क्या तुम्हें मालूम है कि इनकी बोली को क्या कहा जाता है? हैं? नहीं मालूम? तो हम बताते हैं। बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, और इस म्याऊं म्याऊं को कहते हैं म्याऊं म्याऊं, यानी बिल्ली ने किया म्याऊं म्याऊं, तो तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। दादाजी ये तो बड़ा ही आसान हुआ, फिर हम कह सकते हैं कुत्ता भौ 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 भौ। अरे नहीं नन्हे मुन्ने बच्चों, नहीं ऐसा नहीं है। कुत्ते की भौं भौं के लिए तो दूसरा ही शब्द है, मगर पहले हम तुम्हें बिल्ली के बारे में पूरी बात तो बतला दें। हाँ तो दादाजी, आपने बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने पर कोई कविता ही नहीं सुनाई। क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे तुम्हारे दादाजी के पास तो हर तरह की कविताएं मौजूद हैं। हाँ तो गाओ हमारे साथ, सब मिलकर गाओ। म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली, बोलो किससे डरती बिल्ली। वाह 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 वा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वाह 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 वाह, गाने में तो तुम अपने दादाजी से भी दो कदम आगे निकल गए। अच्छा बच्चों, तो आप कुत्ते की भौं भौं के बारे में बातें करते हैं। कुत्ते की भौं भौं को कहते हैं भौंकना। रात में अक्सर तुमने कुत्ते को भौंकते सुना होगा। दादाजी हमें तो वो कल की कविता याद आ रही है, कुत्ता बोले भौं 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 मेरी घर में घुसते क्या। नन्हे मुन्ने बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम्हें भौं भौं वाली कविता याद आ रही है, मगर ये कविता तो ही भौं भौं की, तो अब भौंकने वाले कुत्ते की भी कविता हो जाए। दादाजी आपका भी जवाब ही नहीं, तो फिर झट पर सुना डालिए ना कविता। सुनाते हैं सुनाते हैं, मगर तुम सबको मेरे साथ साथ गाना होगा। क्यों, गाओगे ना? हाँ दादाजी गाएंगे। सोने वाला चौंक रहा है, भाई और जोर से, सोने वाला चौंक रहा है, भौं भौं कुत्ता भौंक रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों, म्याऊं म्याऊं करना और भौंकना तो तुम सब हंसते खेलते सीख ही गए, मगर ये म्याऊं म्याऊं करना और भौंकना तुम्हारा काम नहीं है, ये काम तो बिल्ली और कुत्ते का है। पर देखो, म्याऊं म्याऊं और भौं भौं के चक्कर में मैं वाली बकरी को मत भूल जाना। नहीं दादाजी, हम मैं बकरी को कैसे भूल सकते हैं? हाँ तो नन्हे मुन्ने बच्चों, बकरी के इस मैं करने को क्या कहते हैं तुम्हें मालूम है ना? क्या नहीं मालूम? दादाजी बकरी का ही मैं करना बोलते होंगे और क्या? अच्छी, अरे नहीं भाई नहीं, बकरी की मैं को मैं करना तो बिल्कुल नहीं कहते। तो आप बतलाइए दादाजी। अरे मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों,
बकरी मिमियाती है मैं करते हुए, समझे? मैं करना बकरी की आवाज है और मैं की इस आवाज को कहते हैं मिमियाना। क्या कहते हैं? हां मिमियाना। मम्मी दादाजी इसका मतलब क्या, मैं मिमिया रही हूं? ठीक, बिल्कुल ठीक, मगर एक बात और। अच्छी बकरी के इस मिमियाने पर मुझे एक गीत याद आ गया, सुनोगे? हां दादाजी सुनेंगे, मगर तुम सबको मेरे साथ साथ गाना होगा। भैया रोना है या गाना, देखो बकरी का मिमियाना। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब तुम म्याऊं म्याऊं कर सकते हो, भौं भौं भौंक सकते हो, मैं मिमिया भी सकते हो। दादाजी हम क्यों करें म्याऊं म्याऊं? म्याऊं म्याऊं तो बिल्ली करती है, भला हम क्यों करें भौं भौं? भौंकता तो कुत्ता है। पूछो क्यों? क्यों? बोलो इसमें पूछने की क्या बात है? अच्छे आए, ओए होए 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 होए, ठीक है ठीक है। अरे तुम भरा क्यों मिमियाओ? मिमियाए कोई बकरी, तुम क्यों भौं भौं भौंको? भौंके कोई कुत्ता, अरे तुम क्यों म्याऊं म्याऊं करो? म्याऊं म्याऊं करे कोई बिल्ली। मगर लगता है आज तुम गधे की गुदगुदी पैदा करने वाली आवाज भेचूं भेचूं को तो भूले ही जा रहे हो। नहीं दादाजी हम तो नहीं भूल रहे, आप ही भूले जा रहे होंगे। दादाजी गधे की देचू देचू को क्या कहती है? हाँ तो नन्हे मुन्ने बच्चों, गधे की ढेंचू ढेंचू को क्या कहते हैं? पूछो क्या? क्या? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? गधे की ढेंचू ढेंचू को कहते हैं गधे का रैंकना। क्या कहते हैं? गधे का रैंकना। हाँ गधे ने ढेंचू ढेंचू की तो तुम बड़े आराम से कह सकते हो गधा रैंक रहा है। क्या कहोगे? गधा रैंक रहा है। शाबाश। हाँ तो बच्चों तुम भी मेरे साथ साथ बोलो, चले बोझ से लदे गधे जी, रैंक रहे हैं गधे गधे जी। अरे मैं तो अपने तोते को दाना पानी ही डालना भूल गया, वो बेचारा भूखा प्यासा मुझे कोस रहा होगा। अच्छा तो बच्चों कल फिर मिलेंगे। राम राम दादाजी। अच्छी राम राम दादाजी। राम दादाजी कल फिर मिलेंगे। बिच्छू आ रहे हो। राम राम दादाजी। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संग